चलेगी कौन बगचौदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। शाम का टाइम गया, इनफैक्ट रात टाइम हो गया, लगभग 10 बज गए हैं और ये हमारा डिनर का टाइम हो गया था। हमने सोचा चलिए खाते पीते हैं, कुछ आपको ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो कि हमने इससे पहले शायद अपने किसी और वीडियो में नहीं दिखाया है, जो कि आपका होने वाला आपका क्रुक आपको टाइटल से तो लगी गया होगी खाने के वाला हूँ मैं तो। मैं आपको काफ़ी गर्म है और इसलिए पीस एक काम करते हैं, पहले कैमरा उठा के ना आपको एक बार पीसेस दिखाई देते हैं, उसके बाद कैमरा साइड में रख देंगे। ये देखें जिंजर अनियन में मगरमच्छ की मीट, यानी कि जिंजर अनियन क्रोकोडाइल मीट। मैं एक बार इससे पहले एक बार मैंने शायद तक जिंजर अनियन में फ्रॉग क्ले पॉट में फ्रॉग खाया था कुछ पहले, उसका शायद तक वीडियो अगर आपने नहीं दिखाया तो मैं ऊपर उसका लिंक दे दूँगा। तो उससे पहले टेस्ट करते हैं। काफ़ी हद तक चिकन और फिश के बीच का हाइब्रिड मुझे ऐसा लगा, शायद तो मेरी दूसरी बार है मैं जब क्रोकोडाइल खा रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक बार वियतनाम में ट्राई किया था और ये शायद तो मेरा सेकंड टाइम है क्रोकोडाइल मीट खाते हुए। और दूसरी चीज़ जो मैंने ली हुई है साथ में वो आपके चावल की दलिया, यानी कि राइस पॉरेज। काफ़ी अच्छा स्वाद, मतलब एक्चुअली मैं आपको पता है वो चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि मीट इतना ज़्यादा कुक कर दिया गया है तो आपको एग्जैक्टली क्रोकोडाइल ले क्या, लेकिन थोड़ा सा अलग सा, मतलब आई एम श्योर कहते हैं जितने भी आपने आज तक मीट खाए होंगे। ये देखिए आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोगों को अगर ये मैं ऐसे खाने को दे दूँ और आप तो कहा जा पूछ लिया जाएगी भाई किस चीज़ से मीट है, तो शायद तो बहुत ही कम जनता होगी जो बता पाएगी कि ये। एक बार आप मैं पास लाता हूँ, एक बार आपको मैं टेक्सचर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका स्केल्स जैसी चीज़ें ऊपर से दिख रही मेरे को इसमें, और साथ में ये देखिए हरी प्याज। कुछ ज़्यादा ही गर्म है, आपको देख रहे हो ये क्ले पॉट कहते हैं इसमें, मिट्टी का प्याला है जिसमें इन्होंने कुक करके लेकर आते हैं। और एक काम करता हूँ, जो फंडा क्या है खाने का आपका, ये मैंने जैसे मैंने बोला कि आपको राइस पॉरेज है, एक काम करेंगे थोड़ा सा, इससे पहले फ्रॉग में भी ऐसी कुछ था कि आपका इसमें डालिए और इसमें भी आपकी हरी प्याज स्केलियंस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम किसी तो वीडियो में बताया था कि हरी प्याज को यहाँ पे हरी प्याज है और चावल की दलिया। तड़का लगा रखा है इन्होंने, कहते हैं आपका लहसुन से। तो जो क्योंकि तो अभी ये दूसरा दिन है, फिर से जैसे मैंने बताया था कि डाइन इन ओपन हुए तो इतना रश नहीं है, अदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस दुकान में। मतलब मैंने कई बार देखा कि रात का खुली वाली शॉप है तो सुबह 4-5 बजे तक खुली रहती है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। मैं फिर से एक क्रोकोडाइल घड़ियाल क्रोकोडाइल ये दिया यार, यही दिक्कत है कुछ ज़्यादा गर्म, कुछ ज़्यादा गरम मगरमच्छ।
वो फिशी जो होता है ना, मछली का जो एक फ्लेवर सा होता है, वैसा भी नहीं आ रहा ये मुझे ना। वाकई में तो शायद इतना बुरा नहीं, अगर आप सोचते हैं ना कि घड़ियाल है मगरमच्छ है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, वैसा अगर आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली फीलिंग आएगी, बट अगर आप केवल टेस्ट वाइज जा रहे हैं तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग नहीं है कि हाँ भाई क्या खा लिया मैंने। दिक्कत क्या है बस कि कुछ ज़्यादा ही गर्म एक्चुअली में, बस साथ में मैंने एक लेमन आइस टी मंगाई हुई है। अब उन लोगों का इन चीज़ों का दाम भी बता देता हूँ, जो आपका ये क्रोकोडाइल मीट थी जो कि आपकी जिंजर अनियन सॉस में है, इसकी जो कीमत है वो है $22 यानी कि $22 हो गए आपके 1100 लगभग रुपए। राइस पॉट यहाँ पे इसकी जो कीमत है वो $1 है यानी कि ₹50। जब आया तो को काफ़ी ज़्यादा धुआं निकला था, मैंने लगता कैमरा थोड़ी देर में ऑन किया था, इसलिए धुआं जो इसका था वो अब तक काफ़ी हद तक हट चुका है। फिश के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा चुई, ऑब्वियसली अगर आप क्या कहते हैं फिश और क्रोकोडाइल को कंपेयर करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली क्रोकोडाइल आपको देख के लग जाएगा कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा चुई होगा, और वही हाल है यहाँ पे भी। और बट हाँ मतलब ये बोनलेस है, इन्होंने ऑब्वियसली बोन्स नहीं है इसमें, देख रहे हैं आप बेहतरीन मगरमच्छ की मीट। मुझे इतना याद आता कि मैं लास्ट टाइम जो फ्रॉग भी खाया था, एक बार यहाँ भी खाया, और जो मैंने वीडियो बनाया था वो कहीं और का फ्रॉग का जो वीडियो बना था मेरा, जो उसका टेक्सचर आता ना, मतलब कि क्या होता है ना कि एक आपको ऐसे फील आती है जब आप इसे चबा रहे हैं ना, तो यार मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दांत ना आपस में स्लिप कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसका टेक्सचर। और आपके साथ राइस के साथ ये जो आपका पॉरिज है इसका काफ़ी फिलिंग हो जाता है, मतलब मैं चाहता तो केवल इसको ले सकता, लेकिन हाँ भूख भी लग रही थी 10 बजे में, काफ़ी मैंने वॉक कर लिया था आज। जैसे मैंने दोपहर में भी आपको बोला था काफ़ी बेहतरीन मौसम हो रहा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश वाला मौसम हो रहा है। बोला था थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको खाने में, क्योंकि तो गर्मी का माहौल है, पसीना भी निकल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अच्छी खासी क्वान्टिटी दे रखी इन्होंने, मतलब दाम अवश्य थोड़ा सा महंगा तो है ही है, ऐसी काफ़ी हद तक ये अनएडिटेड रिव्यू आएगा, मैं मोस्ट लाइकली बहुत ही कम एडिटिंग करूँगा इस वीडियो में अगर सब कुछ सही रहा तो। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ फ्रेंज इसके काटने भी पड़ेंगे। हाँ और एक चीज़ और बता रहा हूँ, लगभग इनके पास 5-6 ऑप्शन थे आपकी इस मीट के ब्रेस्ड, काफ़ी हद तक जो मैंने लिया था वो आपका कहते हैं ये जिंजर अनियन है, बट इनके पास 5-6 तरह के और फ्लेवर्स थे जो आप ट्राई कर सकते हैं। यार ये आइस टी अच्छी होती है, शुद्ध चाय का फ्लेवर आता हुआ, मतलब कड़क चाय का फ्लेवर आता हुआ।
सॉस देख रहे हैं आप, बिल्कुल डार्क मंचूरियन सॉस का इसका ब्रॉथ। अब एक बार ये देखिए, देख रहे हैं काफ़ी अभी भी बचा हुआ है, पीसेस काफ़ी हद तक मैंने खा ली मुझे लग रहा है, बट हाँ क्वान्टिटी जो ब्रॉथ की है वो काफ़ी बची हुई है अभी। यार ये अभी भी काफ़ी हद तक गर्म है। मैं काम करता हूँ कुछ, एक पीस ये रह गया। लगभग 11-11.5 मिनट का शायद वीडियो हो गया इस सिप के, इस आइस टी के सिप के साथ। मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आई होप कि आपको एक और नए बिज़ार फूड, मैंने अभी तक क्रोकोडाइल का वीडियो नहीं डाला हुआ था, तो आई होप ये भी आपको कुछ थोड़ी अलग सी बच्चों की पसंद आई होगी। रात के 10 बज रहे हैं फिर से 20 जून 2020 शनिवार की शाम को, इस वीडियो के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे, तब तक खाइए आवारा हो, घूमिए आवारा।